हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होती है एक प्यारे से क्वोट्स के साथ। तो आज का क्वोट्स है हमारा, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वीडियो की, वो क्लास टेंथ स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इट मींस एसिड बेस एंड साल्ट। तो यही के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 में बहुत इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर वन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड जो होता है उसका विलयन का पीएच क्या होता है, पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन है 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा जो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन पीएच होता है कितना होता है, 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? कौन सा क्षारक है निम्नलिखित में? ऑप्शन है ZnO, SO2, CO2, NO2। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ZnO जो है सो एक क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन जो रहता है उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 14। तो क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा 7, यानी कि उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें जो है सो कौन सा अम्ल है। तो ऑप्शन क्या है? CaO, KOH, NaCl, HCl। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए HCl जो है सो एक अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं, जो जल में घुल मिल जाए वो कौन से क्षारक कहलाते हैं, उन क्षारक को हम लोग क्या बोलते हैं, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षार। तो क्षार जो वाला जो है सो जल में घुल मिल जाए तो क्षारक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा, उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं उच्चवासीय अम्ल के सोडियम लवण? ऑप्शन है अपमाजर, साबुन, प्लास्टिक, रबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु HCl का पीएच मान होगा, तनु HCl का पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन है 6, 7, 8, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तनु HCl का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? तो ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है सो ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का मान होता है, अम्ल का मान कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14? तो कितना होता है फ्रेंड्स? तो 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो ऑप्शन है अम्ल, क्षारक, लवण, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? वो क्षारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस का नीला कर देता है, इसका पीएच संभवत क्या होगा? जो लाल विलयन को, कोई विलयन जो है सो लाल लिटमस को कैसा कर दे, तो नीला कर दे, तो उसका पीएच का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो उसका पीएच हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन है Na2CO3, CaCO3, NaSCO3, NaCO3। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र?
तो वो हो जाएगा NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र संगमरमर का, CaCO3 होता है। तो CaCO3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए में है क्या, तो CaCO3 संगमरमर का क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। 14 क्वेश्चन है, एक बार एक या रेजिया मिश्रण में HClOHNO3 का अनुपात होता है। बोल रहा है कि एक बार रेजिया जो रहता है मिश्रण, उसमें जो HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, क्या हो जाता है इसका? तो इसका जो वो होता है मान हो, अनुपात होता है वो 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किसके किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? ऑप्शन है लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेचूनिया फूल। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा लाइकेन, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो ऑप्शन है 2, 7, 6, 13। तो क्षारक का मान कौन सा pH देता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत द्वारा प्रभावित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोर क्षार अभिक्रिया। 17 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो आंसर हो गया क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हो जाएगा वो विजातीय यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? इसमें जो है सो फॉर्मूला दिया हुआ है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है Na2CO3.5H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.2H2O। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही लग रहा है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, यानी कि Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन है श्वेत, पीला, हरा, काला। तो इन चारों में से क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड्स, AgCl3 का जो कलर होता है वो श्वेत कलर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ऑप्शन है 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो फ्रेंड्स हमारी जो बॉडी रहती है वो कितने pH पे के अंदर में काम करती है? तो आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 के pH के अंदर में काम करती है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का pH निम्नलिखित में से क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देगा तो इसमें जो है सो निम्नलिखित में से इसका pH क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 8, 10, 12, 6। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? pH दिया हुआ है, pH वैल्यू, और पूछ रहा है कि कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो ऑप्शन क्या है, pH 1, pH 5, pH 8, pH 10। तो जिसका फ्रेंड्स pH कम होगा वही हो जाएगा अम्लीय। तो सबसे कम किसका है, 1 का है।
मीन्स ए का है ऑप्शन, तो पीएच 1 हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है? सिरका जो रहता है जो अचार बनाने में यूज़ होता है जिसका, वो क्या है? तो दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन 5 से 10% एसिटिक अमल, 100% एसिटिक अमल, 10 to 20% एसिटिक अमल, 50% एसिटिक अमल। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 10 से 20% एसिटिक अमल, यानी कि ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमांकित में कौन लवण है? बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन है उसमें से कौन जो है सो लवण है। तो ऑप्शन है HCl, NaCl, NaOH, KOH। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका NaCl, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच होता है, जल का पीएच कितना होता है? तो जल का पीएच हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कितना होता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2 और डी है ऑप्शन NH3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, इसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो गया हरा कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा जो रहता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो CuSO4.5H2O हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है क्या? है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र, तो ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, Na2CO3, NaSCO3, Na2CO2, NaCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NO2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र कितना होता है फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका सूत्र जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, यानी कि H2SO4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH है, NaOH क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है या कोई नहीं? तो क्या है फ्रेंड्स, NaOH जो है सो एक क्षार है, यानी कि ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो रहता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका कलर होता है हरा, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन तक, अब इससे आगे जो है सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इजीली जो है सो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। 2024 में जो आप लोग को 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग, यही सब क्वेश्चन आएगा, इसीलिए सब क्वेश्चन को ध्यान से देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।